प्रभातम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल स्टूडेंट्स, आज फुल मून डे है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्लियर विजन, क्लियर फोकस, क्लियर क्लैरिटी एंड क्लियर अवेयरनेस। तो जब ये सारी क्लैरिटी आ जाएंगे, तभी हमारा इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन एंड अबव ऑल स्पिरिचुअल क्वेश्चन सिंक अप रहेगा। हमारा हार्ट सिंक रहेगा, हमारा ब्रेन सिंक रहेगा और हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ऑल द स्टूडेंट्स 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड अप वर्ड, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्यूरियस हैं, लर्न करना चाहते हैं कुछ, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हमें जरूरत पड़ता है कि हम अपना काम दिमाग लगा के कर सकें। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि आईक्यू हमारा अच्छा है। इमोशनल क्वेश्चन अप डाउन्स हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं। सोशल क्वेश्चन, हम अपने रिलेशनशिप बिल्डअप कर पा रहे हैं कायदे से, सोशली हम थोड़ा एक्टिव रह पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बातें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एडवर्सिटी क्वेश्चन, कोई रफ पैच हमारे लाइफ में आ गया तो हम बिना माइंड लूज किए अपना उसको कैसे मैनेज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अबव ऑल, इन सब चीजों को अम्ब्रेला के अंदर समेटे हुए स्पिरिचुअल क्वेश्चन, अगर हम स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, समझ पा रहे हैं हम चीजों को, ब्रह्मांड हमें क्या बताना चाह रहा है, कब और कैसे हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे तभी बैलेंस होंगे जब हम अपने लिए भी डेली बेसिस पे मैनिफेस्ट करेंगे। एंड इससे बेटर क्या है, आज 25th ऑफ जैन है, साल का पहला फुल मून डे है, तो ये सब चीजें मैनिफेस्ट करें कि हमें क्लियर विजन, क्लियर क्लैरिटी, क्लियर अवेयरनेस हमें मिले। हम अपना सिंकअप शुरू रखते हैं, करते हैं हिंदू पुशअप, लेट्स डू इट। हाई प्लैंक पोजिशन, माउंटेन पोजिशन, हमारे सारे क्वेश्चन एक आता है, दूसरे क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन।